नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। रुस्तम के बगीचे मालवा मिल से वैष्णो देवी यात्रा का जाता हुआ रवाना। माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर के रुस्तम के बगीचे मालवा मिल से वैष्णो देवी यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा में महिला पुरुष बच्चों सहित 100 से 180 लोगों का जत्था आज रेलवे स्टेशन से वैष्णो देवी के लिए रवाना हुआ। इस दौरान यात्रा प्रभारी अजय रोशन, संयोजक नंदकिशोर गोपाल शेर के गुलशन मोहबिया, रमन करवा समाज सेवी भाग्यश्री संयोजक मोहन विषय इस यात्रा में सम्मिलित हुए। यात्रा संयोजक अजय रोशन ने बताया कि यात्रा का यह प्रथम वर्ष है। इस वर्ष यात्रा में हम सभी के साथ मिलकर यात्रा करते हैं। आज ट्रेन द्वारा यात्रा की जा रही है, इसमें दो विकलांग भी है। यात्रा में मेडिसिन से लेकर नाश्ता चाय भोजन की व्यवस्था हमने ट्रेन में ही कर रखी है। और भी आगे क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। अजय रोशन द्वारा यात्रा जारी है। कितने लोगों का जत्था है? 125 लोगों का जत्था है। आज यात्रा में मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित हुए हैं? जो उपस्थित हुए हैं, नाना राम कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अपने दीपेश यादव जी है सभापति जी के लाइन पर, गौरव रणदीप जी हमारे मुख्य हैं जो अभी कुछ समय आ रहे हैं हरी झंडी दिखाने के लिए, और रमन करे जी हमारे यात्रा संयोजक है, नंदकिशोर जकोरे जी हैं, गोपाल शेरोके जी हैं, गुलशन मोहबिया जी हैं समाज सेवी, और हमारे बीच में हरी समाज सेवी भाग्यश्री कड़कड़िया जी भी हैं। आपका परिचय? अजय रोशन।